पोको एफ वन जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्मार्टफोन है, अब तक का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हैं, जो कि आपको मिलता है अच्छी प्राइसिंग पर बहुत बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ। यहाँ पर सब कुछ आपको अच्छा मिलता है, यहाँ पर इवन प्रोसेसर आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है, कैमराज अच्छे देखने को मिलते हैं, यहाँ पर UI ठीक ठाक है, ठीक ना कहीं अच्छा UI है, नया UI है, और साथ ही साथ यहाँ पर मतलब सब कुछ बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर जो फ़ोन है उसके बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ जो फ़ोन है उसमें कुछ आपको खामियाँ आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ जो बैड पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है इस फ़ोन के बारे में, उनके बारे में आपसे आज बात करने वाला। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। और मैं देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन की खामी में। सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा खलने वाली बात आती है, जो सीधे सीधे आंखों में पहुंचती है फ़ोन को देखते ही, वो है इसकी प्रीमियमनेस। तो यहाँ पर जो फ़ोन है उसमें आपको परफॉर्मेंस में एकदम टॉप नॉच वाली प्रीमियमनेस देखने को मिलती है, आपको एकदम प्रीमियम वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, आपको एकदम प्रीमियम वाला रैम रोम वेरियंट्स देखने को मिलते हैं, आपको एकदम प्रीमियम वाले परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो फ़ोन है वो लुक्स वाइज इतना प्रीमियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब पॉलीकार्बोनेट या मैं बोलूँ एकदम सही भाषा में तो प्लास्टिक बॉडी है इस फ़ोन की, जो कि मतलब काफ़ी मतलब डील ब्रेकर हो सकती है आप अगर फ़ोन खरीद रहे हैं तो, और जिन्हें मतलब फ़ोन देखने में भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन चाहिए होता है, लुक्स कॉन्शियस होते हैं, तो उनके लिए फ़ोन थोड़ा मतलब असमंजस में डाल देगा उन्हें ये फ़ोन। और एटलीस्ट कम से कम ये जो प्रीमियम वाला सेगमेंट था वो कम से कम ये जो आर्मर्ड एडिशन था उसमें दे सकते थे कम से कम ग्लास बैक या मेटल तो दे ही देते, क्योंकि यहाँ पर मेटल एटलीस्ट जो है अब के टाइम में मैंडेटरी सा हो गया है, यहाँ पर मेटल जो है फ़ोन में होना ही चाहिए मिनिमम। और अब बात करते हैं फ़ोन के सेकेंड डील ब्रेकर पॉइंट की या फिर बैड पॉइंट की, तो यहाँ पर ये जो फ़ोन है उसमें कैमरा में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो फ़ोन है वो आपको देखने को मिलता है रियर में 12 MP का प्राइमरी सेंसर, ये जो सेंसर है वो है सोनी का IMX363 सेंसर, जो कि आपको जो है Mi 8 में देखने को मिलता है। अब देखो Mi 8 परफॉर्मेंस वाइज बहुत सही फ़ोन है, अब ये जो है Xiaomi ने या Poco ने लॉन्च के टाइम बताया था कि Mi 8 वाला सेम सेंसर आपको देखने को मिलता है, जिससे कि आपके मन में ये धारा होगा कि ये फ़ोन जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो Mi 8 है जो कि 70,000 में आपको देखने को मिलता है, उस फ़ोन में आपको रियर में 12 MP का जो सेंसर है वो आपको सोनी का IMX486 देखने में मिलता है, और डेफिनेटली IMX363 से 486 बेटर है। तो डेफिनेटली अगर आप 21,000 रुपये खर्च करके एक थोड़ा कम परफॉर्मेंस वाला अगर आपको सेंसर देखने को मिलता है कैमरा में, तो वो एक थोड़ा डील ब्रेकर पॉइंट हो सकता है। यहाँ की Mi A2 जो है वो परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ही 660 प्रोसेसर के साथ, लेकिन इसका कैमरा भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, तो इस प्राइस में कम से कम इन्हें IMX का 486 प्रोसेसर सेंसर तो लेना ही चाहिए था। वो तो अगला डील ब्रेकर पॉइंट या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस हो सकता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो फ़ोन के लॉन्च के टाइम पर काफ़ी लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये जो पोको F1 है उसका कर्नल जो है वो एक ओपन सोर्स कर्नल है, यानी जो थर्ड पार्टी डेवलपर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप XDA डेवलपर ले लीजिए, तो ये जो डेवलपर्स हैं इस कर्नल पर बेस्ड जो हैं सारे चेंजेस मॉडिफिकेशंस करके लॉन्च कर सकते हैं। यानी ये जो सेम पूरी बात ये है कि यहाँ पर जो पोको है वो चाहता है इस फ़ोन के UI में और ज़्यादा डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ोन है वो इतना डेवलप नहीं है अभी, सीधी सीधी बात ये वो कहना चाहते हैं ओपन सोर्स कर्नल से, यानी इस फ़ोन में आपको बग्स भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये नॉर्मल यूज़र्स के लिए इतने ज़्यादा बड़ी इशू नहीं है, लेकिन जो एडवांस यूज़र्स हैं फ़ोन के उन्हें ये मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। ओके, तो अगले जो बैड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो आपको अच्छी बात है कि USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये जो USB टाइप सी पोर्ट है वो सिर्फ एक प्रीमियमनेस को बनाए रखने के लिए, या 21,000 का फ़ोन मिल रहा है उसमें USB टाइप सी पोर्ट नहीं है लोग क्या कहेंगे, सिर्फ इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो है USB टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर USB टाइप सी वाले जो फुल यूटिलाइजेशन जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर USB टाइप सी कैपेबल है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो मदरबोर्ड है वो सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ USB 2.0 को, तो यहाँ पर माइक्रो USB वाली आपको डेटा ट्रांसफर स्पीड वगैरह देखने को मिलेगी, सिर्फ देखने में आपको USB सी पोर्ट मिलेगा इसमें। वो तब बात करते हैं बिल्कुल लास्ट वाले बैड पॉइंट की, या इसे आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मेन बुरी बात जो इस फ़ोन के बारे में है वो ये है, ये सिर्फ इस फ़ोन के लिए नहीं है, यानी ये Xiaomi के सारे फ़ोन्स के लिए हैं, अब आप समझ ही गए हो Xiaomi के सारे फ़ोन्स, यानी कि फ्लैश सेल के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ये जो फ़ोन है मतलब फ्लैश सेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके की लगती है ना, फ़ोन की हाइप तो क्रिएट हो जाती है कि हवा बन जाती है कि मतलब बहुत बेहतरीन फ़ोन है,
मिल नहीं रहा है काफी, मतलब अच्छे अच्छों को नहीं मिल पाता है, तो काफी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, इसे लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक्चुअली होता गया कि लोग जो है, मतलब ये फोन में मेरे हिसाब से 21,000 वाला 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट सबसे ज्यादा बिकेगा और यही सबसे जल्दी स्टॉक आउट होगा। तो यहाँ पर तो जबरदस्ती लोगों को 24,000 वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा और हेल यस, इस फोन की ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि होने वाली है। तो ये हम कंज्यूमर्स के लिए एक बुरी बात ही है एक तरह से, तो यहाँ पर डेफिनेटली शाओमी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ओके, तो यही थे बाकी सारे पॉइंट्स जो कि फोन में आपको देखने को मिलते हैं बुरे। ये वो पॉइंट्स हैं, मतलब कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे फोन की परफॉर्मेंस को। ऑब्वियसली ये फोन अब तक का मेरी नजर में बेहतरीन बेस्ट स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि प्राइसिंग के साथ आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी या मैं कहूँ प्रीमियमनेस में थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन फ़ोन इससे बेहतरीन या कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता। वैसे ऑनर प्ले के लिए भी यही कहा था मैंने लेकिन अब यहाँ पर जो Xiaomi का पोको फ़ोन F1 या पोको F1 है, उसने इसे कंपटीशन में ला दिया है बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। तो यही थे बैड पॉइंट्स आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, बिना कहीं में जाएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा तभी से मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा। साथ ही बराबर में बेल आइकन मिलेगा, दबाने से होगा ये जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और मिस मत किया करके मैं आपके लिए इस तरीके इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।